अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें बेशबहा नेमतों से नवाजा है। उस रब करीम का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इन्हीं नेमतों में से एक गर्मियों की सौगात फालसा और आड़ू हैं। तो चलिए आज के व्लॉग में हम आपसे शेयर करते हैं कि हमने इनको कैसे इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज के व्लॉग में हम आपसे शेयर कर रहे हैं फालसे और आड़ू का शरबत। तो चलिए जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आड़ू और फालसे को धो लिया है और इसमें से जो कच्चे दाने थे उसके वो हमने निकाल लिए हैं और फिर हमने इसको डाल दिया है जूसर में। साथ ही इसमें हमने तकरीबन एक कप जो है वो चीनी डाल दी है और इसके बाद हमने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। इसको हम अच्छे से जूसर में ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। ये देखिए ये इसका बन गया है पेस्ट। तो इसको हम अब बड़ी सी छलनी में छान लेंगे ताकि जो उसकी गुठलियाँ और छिलका है वो सारा ऊपर रह जाए। फिर इसका जो है पल्प नीचे से हमें मिल जाएगा, लेकिन वो भी गाढ़ा गाढ़ा होता है। फिर हम इसमें पानी डाल के इसको दोबारा छान लेंगे। ये देखिए जी ये हमारे पास आ गया इसका गाढ़ा सा शरबत। ये देखिए फिर इसमें हमने डाल दिया है पानी। फिर इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। फालसा जो है वो गर्मियों में बहुत कम अरसे के लिए मिलता है। तो ये देखिए इसको हमने दोबारा, मुझे ये गाढ़ा गाढ़ा लग रहा था इसको मैंने बारीक छलनी में दोबारा छाना है। ये गर्मी में बहुत ही मज़ेदार और लजीज शरबत बनाया जाता है। ये जिगर की गर्मी के लिए, मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसके साथ ही हमने ये डाल दी इसमें बर्फ़। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसका और पीने में जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, सबको बहुत पसंद आया। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। चलिए जी अब हम बना रहे हैं आड़ू का शरबत। आड़ू को हमने धोकर छील लिया है, इसका छिलका उतार कर छुरी से भी ये हो सकता है, लेकिन हम इसको जहरा हो पीलर से छील रहे हैं, इसे जल्दी छिल जाता है। ये देखिए आड़ू हमने सारे छील लिए हैं और इसको अब हम काट लेंगे। पतला पतला इसको हम काटते जाएंगे और जब सारे ये कट जाएंगे तो फिर हम इसका जूस बनाएंगे। आड़ू के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसका शरबत भी बहुत लजीज और बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए सारे कट चुके हैं, इसको हम अब डाल देंगे जूसर में। इसका भी आड़ू और इसके साथ ही तकरीबन एक कप, एक प्याली हमने इसमें डाली है चीनी और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से जब जूसर में ग्राइंड करेंगे, जब अच्छे से पिस जाएगा तो हम इसमें बर्फ़ डाल देंगे। ये देखिए ये हो गया आड़ू का शरबत तैयार। ये डाल दी बर्फ़, बहुत ही मज़े का बनता है। और अच्छा हमने आड़ू के शरबत को दो तरीके से तैयार किया है। एक तो हम इसमें स्प्राइट डालेंगे, ये एक जैसे सोडा वाला जूस बनता है वैसा इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा मज़े का बनता है ये भी। ये देखिए थोड़ा सा आलू का शरबत, इसमें बर्फ़ डाली और उसके ऊपर स्प्राइट डाल दी, अच्छा
अच्छे से इसको कर लिया मिक्स। वैसे आड़ू खाने में जो है ना वो थोड़ा सा खट्टा लगता है, लेकिन इसका जूस जो है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है, हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये देखिए इसका ज़बरदस्त कलर। अच्छा कोई भी शरबत हो उसको आप जितना ठंडा करके पियेंगे वो उतना ही आपको मज़े का लगेगा। गर्मियों के मौसम में ख़ासतौर पर ये जो शदीद गर्मियाँ आ रही हैं उसमें ये शरबत जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, गर्मी को दूर करता है, मैदे और जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में हमने बिल्कुल सादा आड़ू का शरबत कर रखा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हमारे चैनल तौसा फैमिली का ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आड़ू और फालसे का शरबत कैसा लगा। मेरा दूध बना। अब हम आपको दिखाते हैं दोनों की फाइनल लुक। ये देखें जी, ये काफ़ी सारा अब हमने पी भी लिया। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, दोनों मज़े के, खुश जायका, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलेंगे अगले व्लॉग तक इंशाल्लाह, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।